एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल। सो ये है मम्मा और कुहू। एक्चुअली मैं हमको स्टार्ट करना था कल व्लॉग, बट कल मैं स्टार्ट नहीं कर पाई। कल इसका वैक्सीनेशन डे था, तो कल इसको वैक्सीन लगवाया है हम लोगों ने। तो आई थिंक मैंने कभी भी वैक्सीन का डिस्कस नहीं किया ना कि इसको कैसे क्या होता है। तो फर्स्ट वैक्सीन से मैं लगवाने जा रही हूँ, मैं और विक्की जाते हैं लगवाने के लिए। हम लोगों ने पेनलेस ऑप्ट नहीं करी थी स्टार्टिंग वाली जो होती है। हम सजेशन देने वाले लोग हैं जो डॉक्टर्स कैटेगरी में, उनने हमको मना कर दिया था पेनलेस के लिए, तो हम पेनलेस नहीं लगवाई इन शॉर्ट बोलूँ तो। और अभी जो लगी है, अभी तो ये नॉर्मल था, तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। थैंकफुली शी इज़ डूइंग गुड एंड शी इज़ अ ब्रेव गर्ल। कल हम इसका वैक्सीन डे था, तो कल ना दिन में मैं फटाफट से विक्की के लिए गिफ्ट लेने के लिए गई थी। तो पहले हम वो फ्लैशबैक में चलाते, तो कुहू और हम दोनों ऑटो से गए थे, तो वो मैं क्लिपिंग डाल देती हूँ, आप पहले वो देख करके आइए। ओके, फिर रात में हम लोगों ने विक्की को सरप्राइज भी दिया, मतलब सरप्राइज इन द सेंस मींस वो जो गिफ्ट्स हैं वो भी दिए, तो वो आप देख लीजिए अब क्लिपिंग। हम दोनों चीज दे रहे आपको, एक कुहू की तरफ से, दो मेरी तरफ से। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट कुर्ता शर्ट जो मैं लेके आई हूँ बाहर पहनने के लिए। ये लिनन का टी शर्ट है, दो तीन ही लेके आई। ओके, तो वैसे तो मुझे जो व्लॉग है ये स्टार्ट कर देना था कल ही, बट नहीं हो पाया, तो मैं उसे जब मैं इंट्रोड्यूस करा दूंगी, थोड़ा इंट्रोडक्शन दे करके क्लिपिंग्स बना रही थी मैं। अभी हम लोग जा रहे हैं मंदिर के दर्शन करने के लिए। ये कुहू व्हाइट पहनी हुई है, अभी इसका हेयरबैंड लगाऊंगी, दिस वन। ओके, तो हम लोग रेडी हो गए हैं, तो चलिए हम लोग निकलते हैं। आप निपट कर, तो मेरे टावल के ऊपर खुद ने अपना टावल पटक दिया। वेरी गुड, गांधीगिरी गांधीगिरी करती हूँ मैं, चिल्लाती नहीं हूँ। विक्की कोई उल्टा काम करता है, मैं बोल बोल के थक चुकी हूँ कि टाइल यहाँ करो, ये चीज यहाँ रखो, तो मैं क्या करती हूँ, मैं अब वो काम बिगाड़ने लगी हूँ, क्योंकि इसको तो साफ देखने की आदत हो चुकी है, लेकिन अभी करने की आदत कम है, थोड़ी भूल जाता है ये, तो मैं क्या करती हूँ, मैं गंदगी कर देती हूँ, खुद ही साफ कर देती हूँ। Hey guys, तो हम लोग निकल गए हैं मंदिर के लिए। हेलो कुहू, हेलो हेलो हेलो, हैरान परेशान है क्योंकि नहाने के बाद वो सोती है, तो माइट भी पॉसिबल जब तक हम मंदिर पहुंचे तब तक वो कार में ही सो जाए। आप लोगों से मिलती हूँ डायरेक्टली मंदिर पहुंचने के बाद। गाइस, तो थाने में इस्कॉन टेम्पल ओपन हुआ है, तो सुंदर तो बहुत है, बहुत सुंदर और बहुत प्यारा है। मुझे ऐसा लगता है वहाँ रात में और ज़्यादा सुंदर लगेगा, बट सबसे बड़ा ड्रॉबैक वहाँ का ये है कि वहाँ पर एक तो जहाँ पर उन्होंने बनाया ना, वो एक सोसाइटी है, मतलब उसके अंदर बनाया हुआ है। सब कुछ बहुत सुंदर है, मतलब टॉप नॉच, एवरीथिंग इज सो ब्यूटीफुल। बस सबसे बड़ा वहाँ पर प्रॉब्लम था कि वहाँ पर इतना ट्रैफिक, मतलब इतनी पतली पतली रोड है, उसमें ट्रैफिक और साथ में कोई भी पार्किंग का इंतज़ाम नहीं है। तो अभी शायद नया खुला ही है, तो वो धीरे धीरे करेंगे, बाकी पूरा कंप्लीट हो चुका है और है बहुत सुंदर। उसको देखो बातें कर रही है, ये पलटती है, तो पलटती तो है, तीन चार एक साथ पलटती है, मतलब वो एक पलटी नहीं खाती है, वो तीन चार पलटती है और पीछे आगे सब हो जाती है। और अभी एक उसने और अपना वो अचीव कर लिया है कि शी स्टार्टेड क्रॉलिंग, मतलब हम कुछ भी सामान थोड़ा आगे रख देते हैं और अभी से नहीं, क्रॉलिंग वो 10-15 डेज से कर रही है, बट अब प्रॉपर वाला करने लगी है। कोई चीज़ आप थोड़ा आगे डिस्टेंस पर रख दो कोई चीज़ आप थोड़ा आगे रख दो,
तो वो पूरा अपना खसक खसक के आगे चली जाती है। बहुत स्पीड में क्रॉलिंग नहीं करी बट शी स्टार्टेड क्रॉलिंग। हम इसको लेके जा रहे हैं। एक्चुअली जो हाथ में पहनती थी ना अपने, वो उसका टूट गया है, तो वही हम रिपेयर कराने के लिए जा रहे हैं। और एक और अच्छी चीज, अगर आपने मेरा लास्ट ब्लॉग देखा होगा जिससे मैंने अपनी रिंग बताई थी तनिष्क वाली, वहां से वैलिडेशन आ गया है मेरे पास, तो वो चीज मेरा हो गया है इसी ब्लॉग में मोस्ट प्रोबेबली। मेरे को तो अब पता चल गया कि मेरा वो हो गया, तो मुझे ऐसा लग रहा है मैं कल चली जाऊं या परसों चली जाऊं। चले क्या, घूमी घूमी चलेगा। ओके गाइस, तो अभी तो नहीं जा रहे हैं, अभी थोड़ा खाना वाना खाने के बाद जाएंगे, क्योंकि फिर खाने का रूटीन पूरा गड़बड़ हो जाता है। अब मैं बताती हूँ हमारा बर्थडे बॉय क्या कर रहा है। बेचारा मैं इसलिए, चलो उसको पसंद है, वो अपने बर्थडे के अंदर वो काम कर रहा है जो उसको पसंद है। सो ही इज कुकिंग। मैं सबको बर्थडे के दिन स्पेशल ट्रीटमेंट देती हूँ, ताकि क्योंकि मैं वो एक्सपेक्ट करती हूँ भाई, जो आप चाहते हो वो आप सामने वाले को करते, ताकि सामने वाले देख के मुझे बोलता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस प्यार से इज्जत से बातें कर लिया करो, वो ही बहुत है। तो मैंने कहा जैसे मैं डेली गालियां देती हूँ। नहीं वो रील थी ना कि क्या आपको क्या चाहिए आपके बर्थडे के लिए, आपको क्या गिफ्ट चाहिए। गिफ्ट नहीं चाहिए, थोड़ी इज्जत से बात कर लिया करो, थोड़ा प्यार दे दिया करो। नहीं मैं तो गिफ्ट ही दूंगी, ये वाला हाल है। प्यार दे दिया करो, इज्जत से बात कर लिया करो, तो ऐसे बोल रहा है जैसे मैं डेली इसको गाली देती हूँ। हाँ, आप करके बातें करती हूँ, वो तो करती है, है ना, और क्या इज्जत चाहिए, बाकी सब करती हो। हाँ, नहीं तो मैं वही सोचू, मैं इसको यही बोलती, मैंने कहा हाँ मैं डेली गाली देती हूँ बहुत, जैसे कि तो इज्जत चाहिए, इज्जत से ही बातें करते हैं भाई। तो अभी मैं इसको सुलाती हूँ, उसके बाद फिर हम लोग खाना वाना खाएंगे, और कुछ प्लान नहीं है बर्थडे का, एकदम सिंपल हो रहा है क्योंकि अभी नहीं कर पा रहे। मैंने सोचा था कि हमारे 2-3 फ्रेंड्स है, जैसे अभी नए नए सबसे कांटेक्ट हुआ है ना, तो ऐसे ओकेशंस इज द टाइम जिसमें आप थोड़ा सोशलाइज कर पाते हो। तो मैंने सोचा था 4-5 कपल्स हैं जो मुझे थोड़े सही, मतलब जिनके साथ मेरा भी वाइब मैच होता है, तो मैंने सोचा था उन लोगों को मैं बुलाती थोड़ा विक्की का बर्थडे सेलिब्रेट ऐसे करते, बट अभी वो नहीं हो पा रहा, नेक्स्ट ईयर करेंगे। तो ठीक है, अभी मैं उसको सुलाती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। ये रहा केक जो हमने विक्की के लिए लिया है। उसका बर्थडे का केक रखा हुआ है ना, वो ही हमने बहुत डिस्ट्रीब्यूट करा है। इतना केक कहाँ कौन, वो भी 1.5 केजीज का था, तो इतना केक तो नहीं खाते हैं ना, तो इसलिए हमने ये देखे कितना क्यूट है छोटा सा। हाँ सबसे बेस्ट है ये तुरंत अभी खप जाएगा, और नहीं तो सुबह खा लेंगे ऐसा। अभी हम एक शॉर्ट वॉक लेकर के आए हैं ऐसी जस्ट, तो क्या हुआ ना, क्योंकि इसको हम सुबह से शाम को घूमने जाने की आदत हो चुकी है, तो उसको मैं शाम से गोली दे रही थी, और ये वर्ड समझती है घूमी जाना है, मतलब वो ऐसी चीखने लगी ना, उसको भूख लगी थी, फीड करा रही थी तो ना वो फीड कर रही थी, ना उसको सोना था, वो सिर्फ घूमने के लिए छिड़चे छिड़चे कर रही थी बाहर, वो घूम के आई है मस्त। तो हम ऐसे ही नॉर्मल वॉक गए, एकदम सिंपल बर्थडे सेलिब्रेट हुआ है विक्की का। कैसा लगा आपको आपका दिन? वैसे ये इसी तरीके के बर्थडे पसंद करता है वो, तो मैं ज़बरदस्ती थोड़ा मुझे पसंद देखी, बर्थडे मतलब थोड़ा शूशा होना चाहिए, शूशा मतलब कि कोई आए और ऐसा और वैसा, वो भी नेक्स्ट ईयर करेंगे, अभी सिर्फ इसका बर्थडे पे हमारा ध्यान है। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। विक्की आज सुबह से नहा लिया है क्योंकि वो दौड़ने वगैरह गया था रनिंग के लिए, तो मैं अभी सुबह उठ करके अपने बेसिक जो भी कुहू के काम होते हैं फटाफट अपने नहीं कुहू के काम निपटा रही होती हूँ। तो अभी मैंने क्या किया है उसके लिए, ऐसे छोटी सी तपेली खरीदी है, तो इसमें मैं उसका पानी गर्म करती हूँ, तो इसमें पानी भर के रख देती हूँ उसके लिए। ऑल्दो ये पूरा नहीं पीने वाली है वो, बट ये रख दिया है मैंने अलग निकाल करके दिन भर के लिए, क्योंकि यहाँ गर्मी ज़्यादा है, और डॉक्टर ने बोला है जितना पानी वो पी सकती है उतना पानी दीजिए, क्योंकि एसी में भी वो रहेगी और ये सारी चीज़ें डिहाइड्रेटेड नहीं होना चाहिए। और उसके लिए जो मैंने सिपर ख़रीदा था वो ये ख़रीदा था, दिस इज़ फ्रॉम द ब्रांड मदर केयर, अमेजिंग सिपर है, वो खुद पकड़ती है और वो खुद पानी पीती है इससे, मतलब शी एंजॉयज ड्रिंकिंग वाटर। हमने एक स्पून और एक कटोरी चांदी की लेके रखी है, जब हम भोपाल में थे ना हमने तभी ले लिया था, तो वो तो खैर भोपाल में छूट गई है, हमने सोचा था अन्नप्राशन के बाद से उसको खिलाएंगे, तो अभी जब जाएंगे तब वो लेके आएंगे। को हैबिट है कटोरी स्पून की, जब वो 2 मंथ्स की थी ना, तो जब उसको सर्दी हुई थी तो हमने होम्योपैथी दवाई दी थी उसको 7 डेज़ के लिए, तो वो मैंने कटोरी चम्मच से ही दिया था। तो अभी इसमें मैंने रखा है 2 चम्मच मूंग की दाल का, तो अभी मैं इसको नॉर्मली सोक इन करूँगी 1 घंटे के लिए, फिर हल्का सा स्लो कुक करके इसको बॉईल करूँगी, और इसको मैश करके उसको लंच में देने वाली हूँ मैं। ये एक्सपेरिमेंटेड वाली जो भी चीज़ है वो सुबह दीजिए, और जो वो खाता आ रहा है वो हम शाम को देंगे, तो एप्पल प्यूरी मैं उसको शाम को दूंगी, अभी मैं उसको दाल का पानी दूंगी। My life.
कि गाइज आई जस्ट टुक शार, मैंने शार ले लिया, फटाक से कूल को सुलाती हूँ, बिकॉज आज हमारी जो मालिश वाली आंटी थी वो 10 बजे आ गई थी, अदरवाइज दिस इज द टाइम जो उसकी मालिश का होता है। बट ठीक है, फिर सब फ्री हो गए, होली है तो उनको जल्दी घर जाने का है। ओके, तो ये रहा हम लोगों का घी जो कि पूरा बन चुका है, ए टू घी है और ये प्रॉपर। अरे वाह, क्या बात है, बिना गिरा मेरी बीवी ने पूरा भर दिया। तो ये मार्केट का ए टू घी है और ये हमारे घर का ए टू घी है, लुक एट द कलर डिफरेंस। तो मैंने ये अमेजन से कुछ कुछ पार्सल्स मंगवाए हैं कुहू के लिए। एक तो इसके शूज़ मंगवाए मैंने, क्योंकि अभी तक इसके पास कोई भी शूज़ नहीं है, सॉक्स ही पहनती थी। और साथ में मैंने, मुझे पता है बहुत सारे लोग बोलेंगे कि शूज़ का भी कोई काम नहीं है, पीछे से कुहू चिल्ला रही है, और कुछ हेबन्स मंगवाए हैं, लिंक डाल दूंगी मैं इनकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मुझे सब बहुत अच्छे लगे। तो क्या कहना है आपका इन शूज़ और इन सबको देख करके? ये नीचे भी दिखाओ कितने मंगाई है मैडम, चार चार जोड़ी जूते मंगा रखी है, एक भी इसके साइज का नहीं। अच्छा, अरे ये इसके साइज का है, 8 जोड़ी थे, 4 रखे हैं यार, जोड़ी मंगाया वो भी इसके लिए जो नीचे चलती तक नहीं। चलने की से बात नहीं है उसको, मतलब मुझे पसंद है भाई ड्रेस अप करना, और मैं अपना जैसे मेरे को कुछ लेना है मैं वो त्याग करके इसके लिए कपड़े ले लेती हूँ। एंड दिस इज द टाइम, आई नो वो रिमेंबर नहीं रखेगी, बट मैं उस चीज़ को चेरिश करना चाहती हूँ, मैं बहुत उसके फोटोज लेती हूँ और सब करती हूँ, तो मुझे तो पसंद है भाई, बेबी गर्ल होने के कुछ तो फ़ायदा उठाऊँ। और अभी मैंने उसके बहुत सारे क्यूट क्यूट से हेयर बैंड्स मंगवाए हैं जो कि इतने सुंदर लग रहे हैं कि मैं, कलर कॉम्बिनेशन आर सो सो प्रिटी। अनदर इम्पॉर्टेंट टिप, जब भी हम खाना, ये हमारा खाना रखा हुआ है यहाँ पर, कुहू हमारे साथ ही खाना खाती है, तो वो इसी पे बैठ करके खाना खाती है। तो उसके बाद हम लोग फिर तानिश निकल गए थे दिन में, क्योंकि विक्की का बर्थडे मंथ चल रहा था तो केक भी कटिंग हुआ, पाउस बर्थडे सेलिब्रेशन भी होता है तानिश में। हेलो गाइज, हम लोग आ चुके हैं, और जो तानिश की रिंग का अपडेट है वो ये है कि हमने रिफंड ले लिया है उन लोगों से, हमको रिफंड मिल गया है। तो अभी तो मैंने कुछ भी नहीं लिया है, मैं बस रिफंड लेकर के आ गई। तो मैं ये इसलिए बता रही हूँ कि इनकेस अगर आपका डायमंड निकलता है तानिश का, तो तानिश में इस तरीके की पॉलिसी है, तो आवाज़ उठाइए और बताइए उनको कि हमको रिफंड चाहिए, बिकॉज वो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होता है, और 2 बार निकल गया ना, 1 बार होता है तो ठीक है। और ये कुहू जो है वो चिल्ला रही है, देखो हमने इसको उल्टा कर दिया, अभी इसको नया टॉप पहनाऊंगी, और ये रहा इसका नया टी शर्ट, हालांकि सब नए कपड़े पहनिए, बट मेरी मम्मी ने बोला है कोरा होना चाहिए, तो ये हम कोरा लेकर के आए होली के लिए। और मैं पता है कितना, देखिए नज़रिया लेकर के आई हूँ, कितना प्यारा नज़रिया है ये, इसमें छोटा सा चाकू है और छोटा सा ये ईविल आई लगी हुई है, विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल। और साथ में मैं लेकर के आई हूँ ये रबर बैंड्स का सेट, जो मैंने कुहू की रबर बैंड मंगवाई थी ना, वो 210 की मंगवाई थी ऑनलाइन, और ये मुझे मिली है 30-30 रुपीज़ की, इमेजिन सारे कलर्स मिल गए। और ये नारियल हमको उस पर चढ़ाना है होलिका पे, और ये एक माला है बताशे की माला है, जो कि न्यू बॉर्न्स को पिना करके होलिका दिखाने के लिए ले जाया जाता है। तो बस अभी इसको रेडी करती हूँ मैं फटाक से। और ये काला धागा है, जो पुराना काला धागा ये बांधी थी वो हम होलिका पे जला देंगे, और ये नया काला धागा उसको बांध दिया जाएगा, तो भी अला बला बुरी नेगेटिव इविलाइज होती हैं वो सब उतर जाती है, तो ये मैंने आज बांध लिया। तो मतलब होली इज़ द डे, होली दिवाली ये कुछ डेज होते हैं जिन पर आपको आपकी जो चीज़ें होती हैं उसको आपको रिन्यू करना चाहिए, तो इसलिए मैं ये सब कर रही हूँ। सामान आया है तो लेट्स अनबॉक्स दिस थिंग। बस सो क्यूट, बस ये क्यूट ही है, पर पता है प्रैक्टिकल नहीं है, अडेप्टर आया है साथ में, पूरा ही बाहर का प्रोडक्ट है, तो गलती से भी ये बंद हो गया ना चलना, तो कोई ठीक नहीं कर पाएगा इसको यूज करके। ओके, सो ये है कुहू। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, हैप्पी होली, हैप्पी होली। अभी मैं इसको ये ड्रेस पहनाने वाली हूँ, कल रात में जो पहनाई थी वो भी होली की थी स्पेशली, बट ये भी बहुत ही प्यारी सी ड्रेस है, देखिए इसमें लिखा हुआ है प्ले कलरफुल, उससे होली स्टार्टेड। और ये रेन डांस में लगा हुआ है। ये कुहू का खाना, मैं दाल को बहुत अच्छे से गला के रखती हूँ, अब हल्का सा आज में जो कल घी बनाया था ना उसमें इसको फ्राई करके फिर दूंगी। जब हम लोग घर जाएंगे सबके तो गिफ्ट्स वगैरह लेकर के जाने वाले हैं, वो मिठाइयाँ हैं।
लोगों से अभी मिल रही हूँ मैं होली के दिन. अभी भी हम लोग निकल रहे हैं, बहुत जल्दी में है. अभी हम होली मिलने के लिए जा रहे हैं हमारे जो फ्रेंड्स हैं उन लोगों के यहाँ. तो एक दीदी है उनके, हमारा डिनर है आज, और एक और फ्रेंड है जिसके उनके अभी हमको मिलने के लिए जाना है, और निशा के अभी मिलने के लिए जाना है. तो देखते किस किस क्या हो पाता है. अदर पहना हुआ है ये टू ब्राउन्स का कुर्ता सेट, जो कि जब अभी आया था ना तो मजाक उड़ाया था कि ये नाइट सूट जैसा लग रहा है, बट अभी खुद ही बोल रहा है. दो चीजें, सबसे पहली चीज तो ये नाइट सूट है, दूसरी चीज इसका कलर क्या है मेरे को नहीं समझ में आता. ये है ना पिंक है, ना व्हाइट है, ना ग्रे है, और लाइट पिंक से ये कोसों दूर है. एक्चुअली लाइट पिंक नहीं है, ये लाइट पिंक लिखा हुआ था, बट ये बेज भी नहीं है, बेजिश, पता नहीं कैसे ही. तो भी विक्की बोलता है मेरे को इसका कलर नहीं पता, और ये राइट सूट जैसा लगता है, बट अभी अच्छा लग रहा है कि नाइट सूट जैसा लग रहा है. बस ये बताओ, नाइट होने वाली है, सूट पहन लिया मैडम ने, बस पागल है आदमी पूरा. इतना क्वाड सेट बोलते हैं इसको, इतना महंगा नाइट सूट क्यों लेकर के आई. तो चलिए कुहू भी रेडी हो गई है. ओह शिट, कुहू रेडी हो गया, ये इसको इसके पापा ने रेडी किया है भाई. चलिए गाइस हम निकलते हैं, बाद में आप लोगों से मिलती हूँ. तो हम लोग आए हैं हमारी पुरानी सोसाइटी में. ओके, तो लास्ट में आप लोगों से मिली थी, मैं डिनर करने के लिए जा रही थी और होली मिलने के लिए हम लोग जा रहे थे. तो हम गए थे शालिनी दीदी के, हमारी पुरानी सोसाइटी में. उसको तो मस्त शालिनी दीदी के यहाँ, क्योंकि होली था उस दिन और ये गई थी उनके घर फर्स्ट टाइम गई थी आई थिंक. तो उसको मस्त ऐसा गिफ्ट सेट मिला है, और अभी तो अभी तक मैंने उसको दी नहीं है खेलने के लिए, ताकि एक टॉय मैं उसको 3 डेज देती हूँ कंटिन्यूसली, फिर दूसरा टॉय देती हूँ 3 डेज, फिर नेक्स्ट टॉय, ताकि वो बोर ना हो. और उसको पता, उसको फिर क्या होता है जब वो इतने दिन बाद वो टॉय मिलता है ना, तो वो बड़े अच्छे से खेलती है 2-3 दिन तक. फिर क्योंकि क्या होता है बच्चा बोर हो जाता है, तो इसलिए मैं उसको एक साथ सारे टॉयज नहीं देती, मैं उसको डेज डेज के हिसाब से टॉयज देती हूँ. तो अभी इनका नंबर नहीं आया है, और अब तो मैं भोपाल जा रही हूँ, तो उसको वहां से आने के बाद दूंगी इसको. अच्छा, और इतने दिन मैं आज आप लोगों से मिल रही हूँ, मैं लास्ट मिली थी 25 को, और आज है 2nd of April. 25 मार्च के बाद से मेरे घर में इतने काम चल रहे थे कि मैं आपको क्या बताऊं. एक्चुअली हम लोग भोपाल जा रहे हैं, जाने वाले हैं काफी जल्दी. क्यों? क्योंकि कुहू का मुंडन होने वाला है, वो एक चीज है. तो हम लोगों को काम करवाना था, मैं आपको बता रही थी ना लास्ट व्लॉग में भी, हमारा बेडरूम का काम बचा था, ये वो. तो फाइनली वो सब काम हो गया है, जो गद्दा वद्दा हमारा गलत मेजरमेंट का हो गया था वो रिपेयर हुआ. फिर उसके बाद पिजन नेट, आपने अगर मेरे एक व्लॉग देखा होगा जिसमें मैंने बताया था कि यहाँ पर पिजन ने बच्चा दे दिया है, तो वो हमने काफ़ी सारे उसमें कमेंट्स आए थे कि इट वाज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, पिजन की जो पूप होती है उस ड्राई होने के बाद निमोनिया और ये सब. आई नो अबाउट दिस बिकॉज हमारे जो सोसाइटी ग्रुप्स है उसमें सब आता रहता है. कुहू है हाँ, तो सो के उठी अभी वो. तो हम लोगों को पिजन नेट लगवाना था, साथ में यहाँ पर टाइलिंग का काम भी होना था. तो वो एटलीस्ट 3 डेज चला है, बिकॉज एक दिन टाइल्स पूरी कटी, फिर एक दिन पाइप का काम हुआ, एक दिन टाइल्स लगने का काम हुआ, तो वो काम हुआ. एंड उसके बाद हम क्योंकि जाने वाले हैं, तो हम लोगों ने एक DIY वाटर इरीगेशन सिस्टम भी लगाया है बैल्कनी में. तो मतलब एक दिन तो ऐसा हो गया था कि तो मैं सामने वाली दीदी है उनके यहाँ पर चली गई थी, उसको सुलाया वहाँ पे 1.5-2 घंटा, मतलब मैं घर में रह तक नहीं पा रही थी, इतना काम चल रहा था पूरे घर में. क्योंकि आपको पता होगा टाइल्स कटती है तो बहुत बारीक 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 डस्ट हो जाती है. घर का जो मैक्सिमम काम था ना, जो हमारा इतने दिन से पेंडिंग था, वो सब एक ही दिन होकर के ना खत्म हो गया. तो काम काफी कुछ हो गया है घर का. और हाँ, जो मैंने वो बेबी फूड प्रोसेसर मशीन लिया है, वो हमने 2 दिन यूज करके वापस कर दी. इट वॉज सो कॉम्प्लिकेटेड कि विक्की का बहुत मन था वो लेने का, तो ये विक्की ने परचेस करी थी. स्टीमर का काम हम दूसरी चीज से करने लगे, हमने 150 रुपए का स्टीमर लिया है, वो सब मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताती हूँ. उसके सॉलिड्स की भी मेरे पास इंस्टाग्राम पे मैं अपडेट करती रहती हूँ, तो बोला कि आप उसको क्या क्या खिला रहे हो बताइए रेसिपीज वगैरह. तो अभी तक तो सिंपल प्यूरीज चल रही थी, अब मैं चालू करूंगी बहुत सारी चीजें करना. तो चलिए आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं, तो मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में. अगर आपको वीडियो पसंद आया है, डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कमेंट डाउन बिलो. सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय.